गाइज, हमने बहुत बार फ्लाइंग कार्स का कॉन्सेप्ट सुना है और बहुत सी कंपनियां ये दावा करती हैं कि उन्होंने वर्ल्ड की पहली फ्लाइंग कार बनाई है, लेकिन हकीकत में इतिहास में पहली बार किसी कार ने दो सिटीज के बीच में उड़ान भरी है। जी हाँ गाइज, ये कारनामा हुआ है यूरोप के स्लोवाकिया में, जहां पर BMW इंजन वाली एक कार ने वाकई में स्लोवाकिया के दो सिटीज के एयरपोर्ट्स के बीच में उड़ान भरी और लगभग 35 मिनट हवा में रहने के बाद उन दो सिटीज के बीच की 80 किलोमीटर की दूरी को तय किया और लैंड होने के बाद वो नॉर्मल स्पोर्ट्स कार में कन्वर्ट हो गई। इस कार को एयर कार का नाम दिया गया है और इसे स्लोवाकिया के ही डिजाइनर स्टीफन क्लेन ने डिजाइन किया है। मजे की बात यह है कि इस कार को एक्चुअली नॉर्मल पेट्रोल पंप के फ्यूल से उड़ाया गया था और चलाया भी गया था। तो क्या वाकई में फ्लाइंग कार्स का जमाना आने वाला है? एक बार एक बंदा जूता खरीदने के लिए किसी शॉप पे गया, उसे 7 नंबर का जूता खरीदना था और उसे उस शॉप पे एक जूता पसंद भी आ गया, लेकिन जैसे वो काउंटर पे पेमेंट करने के लिए गया, उसे पता लगा कि वो वॉलेट तो घर पे ही भूल गया है। फिर उसने शॉपकीपर से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे जूते दे दो, अगले दिन आके मैं पेमेंट कर दूंगा। थोड़ा सा हेजिटेशन उस शॉपकीपर को फील हो रहा था उधार देते हुए, लेकिन फिर भी उसने जूते पैक किए और ग्राहक को दे दिए। अगले दिन वही ग्राहक वापस से उस शॉप पर आता है और कहता है कि दोनों में से एक जूता 6 नंबर का है, प्लीज आप उसे चेंज कर दो। तो ग्राहक ने माफी मांगते हुए 6 नंबर का जूता चेंज करके उसे 7 नंबर का दे दिया। उस दिन ग्राहक वॉलेट लेके आया था और उसने पेमेंट भी कर दी। अब आप ये देखिए कि दुकानदार ने कितना समझदारी से काम किया, ना उसने जूते खोए ना कस्टमर। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। पूरी दुनिया में कोरियन लड़कियों की स्किन और उनका फेस सबसे खूबसूरत माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कोरियन लड़कियां एक स्पेशल तरह की ट्रीटमेंट या थेरेपी लेती हैं? उस थेरेपी का नाम है स्लैप थेरेपी, यानी कि थप्पड़ थेरेपी। वो पूरे दिन में अपने चेहरे पर 30 से 40 बार थप्पड़ मारती हैं, लेकिन डोंट वरी, वो थप्पड़ जोर से लगाया गया थप्पड़ नहीं होता है। धीरे धीरे अपने चेहरे पर 30 से 40 बार थप्पड़ मारने से चेहरे में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। वो आपके स्किन को इम्प्रूव करता है और आपकी एजिंग घटाता है और आप यंग दिखना शुरू हो जाते हो। तो गाइज, क्या आप भी स्लैप थेरेपी लेना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक 2 साल के बच्चे में कितनी तो समझ होती है, लेकिन यूपी के मुरादाबाद के 2 साल के छोटे से बच्चे ने अपनी सूझबूझ से अपनी माँ की जान बचाई। गाइज, हुआ कुछ यूं कि यूपी के मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर उस छोटे से बच्चे की माँ बेहोश अवस्था में पड़ी थी, तो वो मदद के लिए नीचे किसी को ढूंढ रहा होगा। इतने में ही पुलिस ने उस लावारिस बच्चे को देखा और वो पुलिस उस बच्चे के पास पहुंची और वो बच्चा पुलिस को इशारे से अपनी माँ के पास ले गया। और जब पुलिस ने माँ को देखा तो वो बेहोश अवस्था में थी। सबसे पहले पुलिस ने उसे प्राथमिक इलाज दिया, फिर उसके बाद एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल पहुंचाया। इस तरह से उस 2 साल के छोटे से बच्चे ने अपनी माँ की जान बचाई। गाइस, आपको इस 2 साल के छोटे से बच्चे की सूझबूझ कैसे लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे।